जाली हाय हाय जो मेरे हाथ में हाय। आई तेरे दर की जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी अव्वल का महीना है, सरकार की आमद का महीना, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोच के रखा था कि रबी अव्वल का महीना आएगा तो कुछ नाचखां हजरात से हम बात करेंगे, हमें ज़रा उनके बारे में भी तो मालूम हो, बल्कि मेरा ख्याल है कि किसी से भी ज़्यादा उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो इस फील्ड में कैसे आए जो हम बाकी फील्ड के लोगों से आमतौर पर पूछते हैं। तो अभी हमारे क्यू टीवी की रिकॉर्डिंग चल रही थी, पिछले 3-4 रातों से हम मुसलसल जाग रहे हैं, एक के बाद रिकॉर्डिंग्स कराए जा रहे हैं कराए जा रहे हैं। तो मुझे मौका मिला, आलम इस्लाम के बड़े मशहूर नात हैं, बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार पढ़ते हैं, जनाब सैयद सलमान कौनैन साहब मेरे साथ हैं, मंजूरुल कौनैन साहब के साहबजादे, यानी कि इतना बड़ा नाम। और जब आप इतने बड़े नाम के साहबजादे होते हैं तो एक तासुर ही होता है कि फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, असल मामलों से मुख्तलिफ होता है, चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। इस वजह से कि आपको उस नाम की लाज रखनी होती है, वो एक उसका एक इजाफी बर्डन होता है, फिर अपनी पहचान ही बनानी होती है कि सिर्फ ये तारुफ ना हो कि जी उनका बेटा या उनका बाप है, अपना काम इतना अच्छा हो। तो सलमान मैंने वो दोनों काम किए माशाल्लाह, कि उनके नाम की लाज रखी और अपना नाम तो बनाए माशाल्लाह। तो मैंने सोचा ज़रा सलमान भाई से हम थोड़ा सा टाइम लें। खैरियत से हजू ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान भाई, मिजाज अच्छे? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सरकार की आमद का महीना बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपको भी। आपको भी ईद की मुबारक हो। और मैं समझता हूँ बड़े खुशकिस्मत हैं कि हर साल की तरह इस दफा भी इकट्ठे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये साथ बरकरार रखें। आमीन। मैंने बस ये मैंने जैसे मैंने आपसे कहा वैसे अब इसको आप पॉडकास्ट ही समझ लें, बस ये हम मैंने सोचा था कैजुअल कुछ बातें करेंगे। तो वालिद साहब मंजूर कौनैन साहब, मंजूर कौनैन साहब, उनका इंतकाल किस साल हुआ सलमान? और आपने कितना अर्सा रहे उनके साथ? मैं असल में किस्मत की यावरी ऐसी थी कि मुझे बरतानिया जाना पड़ा, और मैं 13-14 साल, मेरा प्रोफेशन क्रिकेट था, हाँ और उसमें फिर ये हुआ कि मैं काउंटी प्रोफेशन क्रिकेटर, क्रिकेट था, प्रोफेशन, प्रोफेशनली मैं खेलते थे प्रोफेशनल फिर? खेलता था, और अच्छा टेनिस बॉल में मेरा बड़ा नाम था। फिर मैं हार्ड बॉल में आया, फिर मैं वेल्स कप खेला, कायद आजम ट्रॉफी खेली, ओए फिर फर्स्ट होए क्लास खेल के मैं बाहर गया 6-7 साल, वहाँ काउंटी क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, सब कुछ खेला। और बस किस्मत की यावरी फिर ऐसी हुई कि वालदे गिरामी अलील हुए, और 2013 में, उससे पहले आप बरतानिया उससे में रहते पहले थे, ब्रिटिश मैं पासपोर्ट होल्डर ब्रिटिश, थे मेरे आप? पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। और बस फिर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिलता। तो आप यकीन जानिएगा, मेरी गाड़ियाँ, मेरे टैग लगे हुए कपड़े, सब कुछ मैंने एक रात में छोड़ के, और मैं अपने वालिद के जूतियों से वापस्ता हो गया। वाह वाह, जब डॉक्टर ने कहा कि अब सेहत इनकी अच्छी नहीं है। सेहत का भी मसला था, दूसरा एक ख्वाब था जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, जिसमें मुझे दिखाया गया कि ये नात की दुनिया है, यहीं से सब कुछ मिल रहा ओ, उससे पहले आप नातखानी है। नहीं मैंने की, की बाकायदा नहीं करते थे उससे स्कूल पहले? ठीक, कॉलेजेस में, ऑल पाकिस्तान मैंने 8-9 दफ़ा जीता था अच्छा, जाने से पहले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके बाद जब मैं गया और मैंने अपने घर में स्टूडियो बनाया, और ये अहद किया कि जो जो अब्बू को आता है वो मुझे सब कुछ आना चाहिए, वाह वाह। तो मैंने तो उनसे छुप के मैंने अपने घर में स्टूडियो इंग्लैंड में बनाया, और मैंने उनको उनका हाफिज बकायदा बन गया। तो तो 2013 में आप आ गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ, आप किस जगह पे? वाकेट, वो वाकेंड। पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वाकेट। आपको वाले साहब के साथ कितना वक्त गुजारने का मौका मिला उसके बाद? उसमें ये हुआ कि 2013 में अबू को डिक्लेयर हुआ फाइब्रोसिस, जो लंग्स की बहुत सख्त डिजीज है जो रिवर्सिबल नहीं है, अच्छा, एक दफ़ा अगर फेफड़ा सुकड़ गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, वो कम ही होएगा, ज़्यादा नहीं होगा। वो उसका पता लगा तो बड़ी बहुत दिली रांझू हुआ, और मैं वापस आया, ऑक्सीजन लगनी रोज़, तीसरे दिन सिलेंडर चेंज होने, उन्होंने कहा जी वॉशरूम में भी होगा और बेड पे भी होंगे, जहाँ भी होंगे सिलेंडर साफ होगा, वरना अच्छा लाइफ मुमकिन नहीं है, अपनी ब्रीदिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ही कैन सर्वाइव। खैर वो 3 साल यानी आप बरतानिया क्रिकेट सब काउंटी कुछ, ट्रांसपोर्ट सब छोड़ के अब आप एक कमरे में वाले साहब के साथ एवरीथिंग, हैं? आई वाज स्किनी मोर देन यू, रेनी यस, अच्छा, इट इज हार्ड टू बिलीव। कोई वेल नोबडी बिलीव्स मी इन दीस डेज, यू नो पीपल लुक एट मी एंड वाओ वाओ, आई तस्वीर एक्चुअली, वसीर है उस जमाने की? मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आपको भेजूंगा, मैं दीजिएगा वो भेजिएगा, व्हाट्सएप करूंगा, लगाएंगे। एज ए क्रिकेटर जो मेरी फिजिक थी हाँ वो आप। भेजिएगा भेजिएगा। तो तो आपने फिर वो 3-4 साल आपने बस एक कमरे वाले साहब के साथ बस गुजारे वो उसी घर मेरे में? मेरे पर दिमाग वो सोता जो है वो जाग गया, वो फिर वो भाई मुझे था वाह कि ऐसे वाले वाह वाह, वो मैं कहाँ से लाऊंगा,
हाय जब मैं पहुंचा तो मुझे देख के कहते हैं, यार मेरे लिए बर्तानिया छोड़ के आ गए, जाओ फिर आज मैं दुआ देता हूँ, दुनिया का कोई मुल्क नहीं जहाँ मेरे बेटे का पैर नहीं लगे। अच्छा तो अब यकीन जानिए उनकी वफ़ात के बाद मैं 23 ममालिक में गया, बयात सैयद मंजूर कौन प्रोग्राम लोगों ने रखे, अननोन लोगों ने टिकट्स भेजे, और मैं वो ब्रिटिश पासपोर्ट यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला, तो वो जब मिला तो ऐसे मिला, आई वॉज गोइंग ऑन द 16th एंड ही स्टॉप मी इन द हॉस्पिटल एंड सेड, यार वो काका कह काका यार बात ये है कि 3 दिन गुजार ले, यू गो विद पीस ऑफ माइंड यू नो व्हेन यू हैव टू रिसाइट यू मेक श्योर यू हैवन्ट गॉट नथिंग इन योर हेड एंड सो यू कैन रिसाइट प्रॉपरली, ओके पीपल वेटिंग फॉर यू बट टेल देम यू गोना बी बैक विद इन फ्यू डेज। मैंने वो उकरा के तो 23 का करा लिया टिकट, ठीक है 19 को वो फौत हो के घर आ गए 19 जुलाई को, बिकॉज ही न्यू उनको पता था कि ये कुल भी हो जाएंगे स्वयं भी हो जाएगा, इंसान को सब्र आ जाता, खुदा की कसम इतना मुश्किल है अपने आप बाप पे खुद मट्टी डालना जेर ज़मीन उसको दबा के वापस, ऐसा शफीक बाप सुभान अल्लाह जिन्होंने हुजूर की तारीफ ऐसे की कि यार मैं हुजूर का नाम नहीं बेच सकता, मैंने सारी ज़िंदगी हुजूर की नात ऐसे पढ़ी है जैसे इबादत, आपने काम एक बात की महल गया, आपने कहा ये सरकार की नात है ये जरिया पहुंचते हैं जरिया निजात, जरिया निजात है। ये इसको मैंने फिर पल्ले बांध लिया कि ये उस दिन मुझे जिंदगी और मौत समझ आई कि ये तो इंसान चला जाता है विद इन नो टाइम है, गया तो वापसी तो नहीं है, वो सोफा जिसमें बैठ के सिखाते थे वो भी वही है, सब गाड़ियाँ ये घर सब कुछ अब वो नहीं वापस आएंगे, काका यार गल ए दे कि एक वो ऐसी चीज है कि फैज जो है वो मरने के बाद मिलता है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट, और अगर तुम में कोई कमी हुई ना तो आई प्रॉमिस यू तेरे बिचो मैं बोलेंगे। अच्छा ये कहा उन्होंने खुदा की कसम। अच्छा लेकिन फौत होने से 2 दिन पहले मैं उनकी सराहने खड़े होकर मैं कुरान पाक की तलावत कह रहा था और उसके बाद नात सुनाई, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, तो कहते 1964 रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से मैंने रिकॉर्ड कराई 8:00 फलाने मिनट पे, और मैंने कह दिया आज क्यों कुरान पढ़ रहे हो, मैं कहा आपकी तबीयत नहीं सही, मैं अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आप ठीक हो जाए, कहना नहीं इधर आओ मेरे पास, मेरा मुंह पकड़ के तो अपनी छाती मुबारक पे और दाढ़ी मेरे मुंह पे कहते मैं तुम्हें ब्लूटूथ कर दूंगा सारा कुछ, अच्छा तुम्हें नहीं किताबें खोलनी पड़ेंगी, ये सुर और ये हमारे दर की लौंडियाँ हैं, मुझे इतना वाकस था तो इस्लाम पे यकीन है कि मैं आई विल ट्रांसफ़र एवरीथिंग, आप शागिर्द तो नहीं हो बेटे तो खून है मेरा। इसके 2 दिन बाद उनका 2 दिन बाद विशाल हो गया, वो 3 दिन गुजरे और 23 तारीख को मैं बार्सिलोना गए फिर बार्सिलोना, मुझे कहते हैं ये जिंदगी आने जाने वाली चीज़ है बेटा, रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं रुकना चाहिए, मैंने 100 मीटर भाग लिया ये अब रेले तेरे हाथ में, अपने 100 मीटर की फिक्र कर, सुना है ना उसका एक शेर इसी का, काश वो चेहरा जो आपने वहाँ, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, हर से यह रात में सूरज हदीसे उनकी, अल्लाह अल्लाह हर से यह रात में सूरज है हदीसे उनकी, वो न आते तो जमाने
हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, नहाते तो जमाने में अंधेरा क्या बात है, वाह वाह वाह। बाले साहब को सबसे ज्यादा कौन सा कलाम पसंद था? तो सारे तो अब। जाहिर है वो तो, लेकिन अबू ने मेरे लिए एक स्पेशल, मैंने जब नारथानी के मैदान में दोबारा से कदम रखा तो आपने मुझे एक कंपोजिशन बना के दी। वो क्या थी? वो थी जो रास्ता है इख्तियार वाह वाह को वाह 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 वाह, खुद शेर लिखे, 3 शेर इस नात के थे और किसी और शायर के थे। कहते अच्छा यार, मैंने कहा ये 3 शेर है मुझे कम पड़ जाती है, अगर मैं पढ़ूं तो मुझे ज्यादा शेर चाहिए। ठीक है। कहते हैं जोर के वक्त मैंने वो, कहते हैं कलम मुझे दे जो, मैंने वो पेन दिया असर के वक्त। बात सुनो जरा, इधर वो 3 शेर लिखे हुए थे, आज ओहो उनके खत्ते पे अच्छा वही भी लिखे हैं। हाँ वही। ये नाते पाक के सरमाए ये नाते पाक के सरमाए हयात रही, बस एक जिक्र जिसे हमने बार बार किया, क्या बात है, क्या बात, हाँ ये रास्ता। क्या बात है, वाह वाह मकते में लिखते हैं कि ये बात भी मेरी पर, अबू का तखल्लुस था अकदस, सैयद अच्छा कौनैन अकदस। ओके ओके ये बात भी मेरी पर्दे अमल में है अकदस, नबी के चाहने वालों से हमने प्यार किया, हाँ ये रास्ता। क्या बात, और ये ऐसी पहाड़ जैसी आवाज, इसको माइक चेक की कोई कमरे में, मुझे लग रहा था कि मतलब कमाल है, वाह वाह क्या बात। मैं 2-3 मिनट और वो एक एक शेर उसका सुना देना। मैं कुछ कलाम में उनसे हमेशा फरमाइश करता हूँ, हश्र में जब उसमें जो एक खातून जन्नत का शेर है वो आप एक, वो हज़रत हनीफ नाज़िश हाँ अलैहिम नहीं अल्लाह सर, ताला अभी हाल अलैहिम में इंतकाल हुआ उनका। अभी फौत हुए, अल्लाह ताला उनको गिरी की रहमत करे और कब्र को बुका नूर बनाए। आमीन। हश्र में जब उनको हाय हाय क्या सजदे से बात है, उठाया क्या कहना है, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, हश्र में जब हाय सवारी हाय सईदा
जब सवादी सैयदा जहरा की आई हश्र में हुक्म देकर आए हाय सब की नजरों को आए हाय झुकाया जाएगा हुक्म देकर सब की नजरों को झुकाया जाएगा हश्र में जब उन और आखिरी एक शेर वो तेरे दर की बस इसका एक शेर सुना दे बस फिर वापस क्या बात है इसका नाम वाह वाह अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई हाय हाय तेरे दर की क्या बात है अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई बाबा तेरे दर की ताजीम खुद इंसान को सिखाई तेरे दर की अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे क्या बात है वाह 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 क्या कहना है हाँ तादीता मेरी रूह पर है, है। मेरा आज कालम तादीता मेरी मेराज का आलम जाली हाय 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 जो मेरे हाथ में आई तेरे दर की जाली जो मेरे हाथ में आई तेरे बहुत बहुत नवाजिश बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह और ये इस जज्बे को सलामत रखे इंशाल्लाह और अबालत मोहतरम के दर्जात अल्लाह ताला बहुत बुलंद बहुत ये रबी अव्वल के मौके पे एक छोटा सा तोहफा था नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु छोटा सा तोहफा था नहीं नात का तोहफा उससे बड़ा तोहफा क्या होता है हमारी अपनी एक एफर्ट छोटी सी थी बाकी ज़ाहिर है ये काम तो ये बहुत बड़ा है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।